नवरात्र पर गरबा के आने से पहले ही उस पर विवाद शुरू हो जाते हैं, मगर इस बार जो विवाद हुआ वो अब तक का सबसे अजीब था। गरबा में आने के लिए अब तक पहचान पत्र या आधार कार्ड की शर्त रखी जाती थी, मगर इंदौर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा ने इस एंट्री को गौमूत्र से जोड़कर चौंका दिया। अति उत्साह में इस अजीब सी शर्त पर बाद में चिंटू भाई पलट गए, मगर ये बात दूर दूर तक फैल गई और गरबा में कौन जाए कौन नहीं ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया। और यही तो चिंटू चाहते भी थे। देखिए क्या है ये पूरा गरबे का विवाद। राजधानी भोपाल में गरबा महोत्सव का खूब क्रेज रहता है। नवरात्र का महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और युवाओं को खूब इंतजार होता है, क्योंकि 9 दिन पूजा पाठ के साथ साथ गरबा होता है। लेकिन उसी गरबे को लेकर प्रदेश में राजनीति हो रही है, जिसे इंदौर के बीजेपी नेता ने ही जन्म दिया है। दरअसल बीजेपी के इंदौर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष चिंटू वर्मा का कहना है कि गरबा पंडाल में एंट्री से पहले हर व्यक्ति को प्रसाद के रूप में गौमूत्र दिया जाना चाहिए। हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व, और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूं। उनके इस बयान के पीछे का मकसद था महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन एक बयान ने गरबे में गौमूत्र की एंट्री पर सियासत छेड़ दी। बीजेपी नेता के तर्क से कुछ लोग तो सहमत हैं, लेकिन कुछ इसे फिजूल का बयान बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बयान को लेकर दो मत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई कार्यक्रम आयोजन करता है और आयोजन करता कहता है कि मेरे मापदंड ये हैं, तो जाहिर है अगर उसके मापदंड है तो जाने वाले को उसका पालन करें, मैं उसमें समझता हूँ कोई बुराई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानसिक रूप से विकसित होते जा रहे हैं। वैसे गरबा पंडाल में सुरक्षा पर चिंता करना लाजमी है। कोई शक नहीं कि लोग गरबे की धूम में देवी की आराधना को भूल जाते हैं और फूहड़पन पर उतर आते हैं। ऐसे में गरबा महोत्सव को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस पहले से ही तय हैं, जैसे बिना आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के कुछ प्रतिष्ठित आयोजनों में एंट्री नहीं मिलती है। कहीं कहीं तो महिलाओं को बैकलेस ड्रेस की अनुमति तक नहीं है, पारंपरिक पोशाकों में ही एंट्री दी जाती है। इसे लेकर आम लोगों की क्या राय है, अब आप वो सुनिए। आई डोंट थिंक आधार कार्ड का होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखाता है। एक फेस्टिवल में आप जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, अगर इंसान की सोच अच्छी है, वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, वो इंजॉय करने जा रहे हैं, तो इस केस में आधार कार्ड रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से नहीं है। और अभिव्यक्ति इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है कि हर एक इंसान का पर्टिकुलरली सिक्योरिटी रीजंस के कारण आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट इतना ज़्यादा मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आईडी और आधार कार्ड तक तो ठीक था, लेकिन प्रदेश में जब गरबे में गौमूत्र की एंट्री हुई तो खूब सियासत होने लगी। फिर क्या था, नेताजी को अपने इस बयान पर सफाई देनी पड़ी। कल मैंने बहुत पवित्र भाव के साथ, बहुत पवित्र मन के साथ अपनी बहुत पवित्र बात को व्यक्त किया था, लेकिन उसको बहुत से लोगों ने, कांग्रेस ने एक विवाद का रूप दे दिया। खास बात यह है कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने चिंटू वर्मा के इस बयान को व्यक्तिगत सलाह बताई है। हालांकि बीजेपी नेता के एक बयान को जब कांग्रेस का समर्थन मिला तो सियासत ने भी नया मोड़ ले लिया। तो क्या आप गरबा में जाने वाले हर व्यक्ति को या फिर केवल प्रतियोगी को गौमूत्र पिलाकर ही गरबे में एंट्री मिलेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे गरबा में कौन जाए और कौन नहीं ये तो बेवजह का विवाद है। गरबा में जो भी जाना चाहे श्रद्धा और नियमों से जाए तो किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है। वैसे नवरात्र में श्रद्धा और भक्ति का ये नाच पर्व अब पैसों के प्रदर्शन और फूहड़पन का शिकार होता जा रहा है। इस पवित्र आयोजन की पवित्रता बचाने की जिम्मेदारी आयोजकों पर भी बनती है।